स्क्रीन टाइम पेंडेमिक के पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। हमेशा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें, और अभी पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ तब से यही स्क्रीन है, इसी स्क्रीन ने बच्चों की पढ़ाई की बागडोर थाम कर रखी है। मतलब जो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम था पेंडेमिक के पहले, वही आज सॉल्यूशन बन गया है। तो क्या इसका मतलब है कि स्क्रीन ने अपना असर करना छोड़ दिया है? क्या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच्चे आपके बचे हुए हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे ही हैं, बल्कि कुछ बढ़ भी गए हैं। तो हम लोग को करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में कि जितना ज़्यादा हो सके स्क्रीन टाइम के साइड इफ़ेक्ट से बचा सकें? तो थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे पीछे जाकर, तो पहले क्या होता था, बच्चे पढ़ाई करते थे अपना बिना स्क्रीन के, और अपना इंटरटेनमेंट वो करते थे स्क्रीन के साथ। अभी क्या हो गया कि उनकी पढ़ाई भी स्क्रीन पे है, तो क्यों ना हम उनके इंटरटेनमेंट को बिना स्क्रीन का कर दें? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को तो आदत लगी है स्क्रीन की, उनको कितना भी समझाते वो छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ में खुद का मोबाइल है। आप कितनी देर उन पर नज़र रखेंगे? आप समझाते हैं 5 मिनट तो असर रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो असर गायब हो जाता है। तो पहले सारे कंडीशंस पे हम लोग एक नज़र डालेंगे। क्या घर में हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल नहीं है? कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठकर अपनी मोबाइल में ही कुछ देख रहा है। दादी माँ भी हैं तो वो भजन देख रही हैं, मम्मी भी हैं तो वो कुकिंग शो देख रही हैं, पापा हैं तो वो न्यूज़ देख रहे हैं, तो फिर बच्चा क्यों ना उस पर गेम खेले? अगर आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा, तो फिर बच्चे को आप कैसे बोल सकते हैं कि तुम मोबाइल मत देखो? बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो पहले आप अपने आप से सुधार करना शुरू कीजिए, अपने आप को सुधारिए। तो कुछ रूल्स बना लीजिए कि घर में सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक ही सबके हाथ में फ़ोन होगा, नहीं तो कोई भी फ़ोन नहीं लेगा। अगर सिर्फ कॉल्स आएंगे तो उसको रिसीव करना, नहीं तो कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा। तभी आप बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो अगर बोल देंगे सिर्फ और खुद ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको अगर ऐसा अनुभव होता है कि आपने उन्हें समझा दिया और वो बच्चे मान जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये एडिक्शन है। स्क्रीन और मोबाइल एक एडिक्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। ड्रग्स को समझाने से कोई भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी बॉडी डिमांड करती है, उसका दिमाग वहाँ पे अपना कंट्रोल खो देता है। उसी तरीके से स्क्रीन भी देखना एक एडिक्शन है। तो क्या यहाँ पे हमें थोड़ी सख्ती करनी होगी? बिल्कुल सख्ती की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अगर आप बिल्कुल सख्ती नहीं करेंगे तो ये कभी भी ये एडिक्शन नहीं छूटेगा। तो इसको छुड़ाने के लिए क्या होगा? आप मना कर देंगे, फ़ोन छीन लेंगे, काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तब आपको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। स्क्रीन को रख के बच्चे को किसी न किसी गेम में, किसी न किसी बात में जो उसे पसंद हो, उसमें उसके साथ उलझाना होगा, उसमें उसके साथ खेलना होगा, लगना होगा आपको, जिससे उसे कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है और उसमें उसको मन लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो उतनी देर के लिए स्क्रीन से दूर होगा। धीरे 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 ये टाइम आपको बढ़ाते जाना होगा बिना उसे समझाए, तो शायद वो धीरे धीरे जो लत है उसकी वो छूटने लगेगी। लेकिन अगर आपने ढील दी तो फिर से वो वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि याद रखिए ये बिल्कुल एडिक्शन है, ये बच्चों की बदमाशी नहीं है। क्योंकि शुरुआत में तो पेरेंट्स आजकल खुद ही एडिक्शन डालते हैं, खुद काम करना है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, राइम्स लगा दिया, बच्चा देख रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। कोई आ गया हमारे घर में गेस्ट, बच्चा तंग कर रहा है, उसको मोबाइल देकर बिठा दिया कि ठीक है तुम तंग नहीं करो, चलो मोबाइल पे देखो। तो एडिक्शन भी आपने ही लगाया है, तो छुड़वाएंगे भी आप ही। तो छुड़ाने के लिए क्यों ना थोड़ी मेहनत की जाए? तो अभी के समय में 100% तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि पढ़ाई भी उसी से करनी है। तो पढ़ाई स्क्रीन के साथ करने दीजिए, बाकी चीज़ों के लिए स्क्रीन का सहारा छुड़ाइए, क्योंकि ये स्क्रीन आपके बच्चों के मन पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। ये उन्हें चिड़चिड़ा बना देगा, उनकी भूख प्यास असंतुलित हो जाएगी,
वो बिल्कुल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना वो करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें स्क्रीन के अंदर की रंग बिरंगी दुनिया कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर रही है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड वर्ल्ड है, जो वो देखना चाहते हैं वही वो देखेंगे, उनके सब कुछ उनके मन लायक उसमें है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ उसी में गुम होकर रह जाएंगे, वास्तविक दुनिया से दूर। समय रहते चेत जाइए और बच्चों को संभालिए।